चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को करवाया था, ठीक है। आज जो हम लोग को देखना है वो उसी पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे कुछ, जहां तक आगे देखे थे। बताया तो ऑब्जेक्टिव टाइप करवाया था, उसके आगे हम लोग लेवल टू पे पहुंचते हैं। और लेवल टू का जो न्यूमेरिकल्स है वो उस पे आते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले लिखा हुआ है, सवाल क्या है। इफ 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, देन द चार्ज ऑन द बॉडी इज। सबको बनाना शुरू कीजिए कि अगर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन को एक किसी न्यूट्रल बॉडी से रिमूव कर देते हैं तो उस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा। अब अगर किसी को मिलियन के बारे में नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख होता है। चलो बनाओ इसको भी। ऋषिकेश ने बोला 2, एक ने बोला 3। फिर से सोचिए थोड़ा। सोचिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो पहला चीज तो इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 का चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने पे प्लस का चार्ज आता है, माइनस का नहीं। इसलिए पहला चीज तो वो चीज होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो अब बताओ कौन सा। हाँ यस एग्जैक्टली, सेकंड नंबर का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। क्यों पॉजिटिव होगा? देखो यहाँ पे क्या है आपका, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी 10 to the power 6, और 10 मिलियन, 10 into 10 to the power 6, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 into 10 to the power -19, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा आएगा वो आएगा 1.6 into 10 to the power -12 कूलम। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, टू इक्वली चार्ज स्पीयर चार्ज पिथ बॉल्स, ठीक है। दो पिथ बॉल्स है हमारा, दोनों आपस में 3 सेंटीमीटर अपार्ट, रिपेल इच अदर विथ फोर्स ऑफ 4 into 10 to the power -5 न्यूटन। द चार्ज ऑन इच बॉल इज, ठीक है, आर की वैल्यू दी हुई है आपको, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको, क्यू का वैल्यू निकालना है। बोल रहा है कि दोनों चार्ज बराबर चार्ज था, क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, आर की वैल्यू आपको दी हुई है और फोर्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है। फॉर्मूला वही लगेगा, एफ इक्वल्स टू KQ² / R² पुट कीजिए और आर का वैल्यू निकालिए क्यू का। फॉर्मूला आपका एफ इक्वल्स टू KQ² F equals to KQ² / R², ठीक है। अब यहां से Q² की वैल्यू निकालो, F का वैल्यू पुट करो, K का वैल्यू पुट करो, R का वैल्यू पुट करो और Q का वैल्यू निकालो। चलो जो लोग सो के क्लास कर रहे हैं वो उठ जाए जरा, ठीक है। सो के क्लास करने से आपको कुछ समझ नहीं आने वाला और ना ही न्यूमेरिकल बनने वाला, फिर बाद में बोलोगे सर न्यूमेरिकल बनता नहीं है। देखो यहां से फॉर्मूला निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q² की जो वैल्यू होगी वो Q² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो तो
एफ आर स्क्वायर बाई के होगा, एफ टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर बाई के। अब ध्यान रखना है कि आर का जो वैल्यू है वो हम लोगों को 3 पे 3 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पहले ही मैंने बताया है। और बाकी लोग, सिर्फ 5-6 लोगों का जवाब आया, बाकी लोगों का क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे फोर्स का वैल्यू और आर का वैल्यू आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर का वैल्यू जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻¹ क्या हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻¹ और आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर यानी कि 3 × 3 = 9 × 9 और 10⁻², का हो जाएगा 10⁻⁴। ठीक है, और फिर नीचे के है तो के की वैल्यू 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। ठीक है, अब देखो 9 9 कट जाएगा, ये 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर देखो ये पावर, ये 4 बच गया और नीचे 10⁹, ऊपर जाएगा 10⁻⁹, तो और ऊपर 10⁹ ऑलरेडी है तो क्यू लोगे, और इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाओगे तो 4 का हो जाएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा × 10⁻⁹ कूलम। कौन सा ऑप्शन हो गया फिर हमारा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद अगला सवाल पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 था इसका आंसर। The ratio of electrical force of attraction to the gravitational force between proton and electron, इस टाइप का क्वेश्चन कल करवाया था, उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच बताया था, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच पूछ रहा है। अगर आप लोगों को याद होगा वो, तो उसका जवाब अगर याद होगा तो इसका जवाब ऐसे ही दे सकते हो, क्योंकि उसी के आसपास होगा। मैंने हिंट पहले दे दिया, कल सवाल करवाया था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो सवाल आंसर आया था उसी के आसपास होगा, तो सोच लो कौन सा आंसर होगा। यस, मैक्सिमम लोग बिना देखे, कल का सवाल याद था तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। वैल्यू पुट करने पे आपका सब चीज का वैल्यू पुट करोगे तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो 10⁻¹ होगा। अगर कल आपको याद हो तो कल जो हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच किया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच किया था, तो उसमें 10⁻42 आया था हमारा, और यहाँ पे आ गया 10⁻39। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रेशियो जो होता है वो 10⁻39, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रेशियो 10⁻42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अ चार्ज ऑफ 10 यूनिट्स इज डिवाइडेड सो दैट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस मैक्सिमम व्हेन प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट, द टू चार्जेस आर। बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर 10 यूनिट का चार्ज है, उसको हम लोग बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। अब वो 2 भाग आपस में कितने होने चाहिए ताकि 2 सेंटीमीटर अपार्ट रखें तो जो चार्ज होगा उसका, मतलब जो टू चार्जेस मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम चार्ज होना चाहिए, ठीक है, फोर्स उसमें मैक्सिमम होना चाहिए। अ चार्ज ऑफ 10 यूनिट्स इज डिवाइडेड सो दैट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज मैक्सिमम, मतलब 2 भागों में बांटे, मान लो एक कैपिटल क्यू है और दूसरा स्मॉल क्यू है,
तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ताकि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ये 2 सेंटीमीटर, फोर्स हमेशा 2 सेंटीमीटर ही रहे, सॉरी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही रहे, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम हो, चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने ऑफलाइन क्लास में करवाया भी है शायद। यस एग्जैक्टली, दोनों के बीच जो चार्जेस होने चाहिए वो हाफ होने चाहिए, 5 और 5, हमेशा ध्यान रखना वो 5 और 5 आता है, ठीक है। इसको आप मैक्सिमम मिनिमम करके निकाल सकते हो, तो उसमें हम लोग आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग ऑप्शन नंबर मैक्सिमम, जिनको फील हो रहा होगा कि दोनों का 5 और 5 यूनिट्स में बटेगा। देखो जो फोर्स होता है, एक को हमने मान लिया क्यू, ठीक है, टोटल चार्ज हमने माना क्यू, ठीक है, तो एक अगर क्यू होगा तो दूसरा क्यू माइनस क्यू होगा, ठीक है, अगर टोटल चार्ज क्यू है तो दूसरा क्यू माइनस क्यू होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकाल के इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा इक्वल आएगा दोनों, ध्यान रखना। तो इक्वल आने का मतलब कि आपका यहाँ से देखो जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, क्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा, और क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो -2q, ठीक है, तो क्यू माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो, यानी कि कैपिटल क्यू इक्वल टू 2q, ठीक है, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई टू, यानी 10/2, यानी कि 5, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Q/2 1:1 यानी 5 का होगा। Now, two identical metal spheres possess +60 coulomb and -20 coulomb of charges. They are brought in contact and then separated by 10 cm. The force between them is, मतलब क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो स्फीयर है, ठीक है, दो स्फीयर में एक पे 60 coulomb का चार्ज है और दूसरा पे -20। सबसे पहले दोनों को एक दूसरे से टच कर देते हैं, ठीक है, दोनों को क्या किए, एक दूसरे से टच कर दिए, और टच करने के बाद फिर से वापस से अलग कर दिए, जितना डिस्टेंस था उतना ही रहने दिए, ठीक है। पहले अगर डिस्टेंस r था तो अब भी डिस्टेंस क्या है, r। पूछ रहा है कि नया जो आपका, मतलब पहला आपका 10 सेंटीमीटर था तो अभी भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। पूछा नया फोर्स कितना हो, पहले अलग अलग था तो 60 और -20 चार्ज था, दोनों को टच किए, टच करने के बाद दोनों को अलग कर दिए तो फोर्स कितना हो, निकालिए। दो लोगों का जवाब है, 1 का 4 1 का 3। याद कीजिए टच करने के बाद मैंने बताया था 1 का 1 आया, और बाकी लोग कोई 2 भी जवाब दे दो फिर हो जाएगा 1 2 3 4। टच करने पे, अच्छा कोई बता सकता है ये कि टच करने पे क्या होगा, टच करने पे क्या होगा जब दोनों को 60 और -20 को टच करेंगे तब क्या होगा? सर 60 में 20 घट जाएगा सर। 60 में 20 घटेगा तो कितना बचा, 40, सर और 40 दोनों पे इक्वली डिवाइड होगा, ध्यान रखना इस बात को। इससे जब दोनों को टच करेंगे तो 60 में से 20 घटेगा तो बचा 40, और ये 40 दोनों में इक्वली डिवाइड, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट वाले पे जो फोर्स होगा, चार्ज होगा, वो होगा +20 कूलम, और दूसरे वाले पे भी जो चार्ज होगा वो होगा 20 कूलम। अब 20 कूलम, तो Q1 Q2 की वैल्यू 20 लेनी है, R की वैल्यू 10 लेनी है, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ लेना है, और सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए।
यस एग्जैक्टली, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, 60 माइनस 20 40 हुआ, 40 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी 20 और 20 दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो Q1 Q2 आपको दिया हुआ है, R की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, आपको फाइनल आंसर लेके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आफ्टर कॉन्टैक्ट Q1 Q2 60 माइनस 20 हो गया ना, 60 माइनस 20 यानी 40, ठीक है, 40 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ कर दिया है, ऑप्शन आपका ए सही दिखा रहा है, बट इसको मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। 9 × 10⁻, ठीक है, 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20 सर, तो चार्ज 20 20 होगा ना सर? हाँ एग्जैक्टली, चार्ज 20 20 होगा, चार्ज जो है वो 20 और 20 होगा, ठीक है, इसमें कहीं सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसने डिस्टेंस भी 4 लेकर के यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया है, बट डिस्टेंस 4 नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्टिल आप लोग एक बार सॉल्व कर दो कि फर्स्ट ही आ रहा है क्या आंसर, फर्स्ट आ रहा है या फोर्थ आ रहा है, चलो मैं देखता हूँ। 20 × 20 का स्क्वायर, तो 4 × 20 × 20 डिवाइडेड बाई आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी 10 to the power -2। अच्छा नहीं, सही लिया है इसने 10 to the power, इसने सॉल्यूशन कुछ और करके कर दिया है, 10 to the power -2 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 10 to the power -2, ओके, और यहाँ आ जाएगा 9 × 10⁹, तो हो गया 2 × 2 = 4, 4 × 9 = 36, और आ गया 10 का पावर 2, यहाँ से फिलहाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और 9 × हाँ ठीक है, 36 × 10⁻³ ही सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। देखो 9 × 10⁹ आया, K Q1 Q2 / R², इसका सॉल्यूशन अलग से किया हुआ है इन्होंने, पहले माइनस करके और 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, देखो पहले ही कर दिया इन्होंने, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड किया, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, इसलिए तो इसके सॉल्यूशन में मत जाइएगा, जो मैंने ऊपर यहाँ पे बता रखा है ये सॉल्यूशन रेड वाला, इससे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। K की वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁹, Q का वैल्यू कितना, 20 और 20, ठीक है, ये K है और Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R², ठीक है, तो R² कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻² होगा, उसको स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर × 10⁻², ठीक है, तो 10 to the power 2 कट जाएगा ऊपर से, 0 0 10 to the power 2, बचा 10 to the power -2 × 10 to the power -2, नीचे ये पावर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 to the power 4 और इंटू 10 to the power 9, वो हो जाएगा 10 to the power 13 और 9 × 4 = 36, ठीक है। हाँ स्पीयर दिया हुआ है ऐसा ना, इसमें किसी को कोई डाउट है इसको बताओ, फर्स्ट ही आ रहा है आपका, क्या नहीं आ रहा सनवाज बताइए, जिनको डाउट है वो हैंड रेस कीजिए, बोलिए विक्रम अनम्यूट करके बोलिए। सर सॉल्वेशन सर शायद मेरा गलती हो रहा है सर, आपका 36 × 10⁻³ आया नहीं आया, 10 × 10⁻²² आ रहा है, आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो बाबू,
देखो ना, फिर से मैंने सॉल्यूशन तो आपके सामने किया, रेड कलर से जो सॉल्यूशन है, मेरा सॉल्यूशन देखो ना, आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, वो चीज देखो। हाँ मैंने सॉल्यूशन तो आपके सामने है ना, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के की वैल्यू पुट की 9 × 10⁻, क्यू का वैल्यू पुट किया 20 × 20, आर का वैल्यू पुट किया 10 × 10⁻², द होल स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन, ये वाले सॉल्यूशन पे मत जाना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा आपको, मैंने ऊपर जो सॉल्यूशन किया है ये ध्यान रखिए। कुणाल आपको कुछ बोलना चाह रहे थे, कोई डाउट है आपको? नो सर। चलो यहाँ क्लियर हो गया ये? यस सर। अगला सवाल पे आते हैं। Two charges of each 100 microcoulomb are separated in a medium of relative permittivity 2 by a distance of 5 cm. The force between them is, चलो फिर से force पूछ रहा है। अब यहाँ पे जो force की value हम लोगों को use करनी है, ठीक है, यहाँ पे जो force का value हम लोगों को use करना है उस पे आते हैं। ये देखो F का वैल्यू आपने पढ़ रखा है 1/4πε₀, ठीक है, लेकिन 1/4πε₀ तब यूज करते हैं, 1/4πε₀ तब यूज करते हैं जब हवा में हो या एयर में हो, लेकिन जब कोई मीडियम आ जाता है तो हम लोग ε₀ नहीं यूज करते थे, हम लोग एप्सिलॉन यूज करते थे और एप्सिलॉन आर की वैल्यू आती, ε₀ एप्सिलॉन आर, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4πε₀εr, और यहाँ पे q1 q2 या फिर अगर इक्वल चार्ज है, इक्वल चार्ज है तो q²/r², ठीक है, ये चीज होगा। तो ये चीज होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, देखो एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी हुई है, आप लोग बताओगे एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? यस एग्जैक्टली, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 दी हुई है और 1/4πε₀ को ही के बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे सॉल्व कीजिए वैल्यू, फिर सबको पुट करके सॉल्व करो, सबको यहाँ पे पुट करके सॉल्व करो, 1/4πε₀ का वैल्यू 9 × 10⁻¹, ठीक है, एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू होगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 2 q स्क्वायर यानी 100 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब क्या हुआ 10⁻⁶, ठीक है, ध्यान रखना माइक्रो का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, तो माइक्रो कूलम यानी 100 × 10⁻⁶ का स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर है, 100 × 10⁻⁶ का स्क्वायर और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 5 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 5 × 10⁻², इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलो सब कोई सॉल्व कीजिए इस वाले को और बताइए कितना आंसर आएगा, 9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई 2 × 100 × 10⁻⁶ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻², का स्क्वायर, सबका जवाब नहीं आ रहा, सब सॉल्व करके बताइए अच्छे से। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन डाइन भी है, ठीक है, तो अगर आप न्यूटन में लाओगे तो उसको डाइन में भी कन्वर्ट करना, क्योंकि एक ऑप्शन डाइन में दे दिया, 3 ऑप्शन न्यूटन है और 1 ऑप्शन डाइन में दे दिया, और अगर आपको याद हो तो 1 N = 10⁵ डाइन होता है। सॉल्व कीजिए, सबका जवाब आना चाहिए, सबका अभी भी नहीं आ रहा।
कुछ लोगों का 4 आ रहा है, कुछ लोगों का 1 आ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, ये गारंटी है। अगर आप ऑप्शन से कैंसिल करोगे तो 1 तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 भी बिल्कुल नहीं होगा, जो भी होना होगा वो 3 या 4 में ही होगा। और 3 और 4 में जब होगा तो आप देखोगे यहां से, तो मैं पावर से यहीं से बिना सॉल्व के ये निकल जाएगा, 10^-6 है, इसका स्क्वेयरिंग कर दो 10^-12 हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वेयरिंग कर दो 10^-4 हो जाएगा, ठीक है, 10^-12 और ये 13 हो जाएगा। तो 10 मतलब आप सॉल्व करोगे एक्चुअली, चलो हम लोग इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सॉल्व करोगे तो 1.8 × 10^4 न्यूटन आएगा इसको सॉल्व करो, ठीक है। 100 का स्क्वायर तो 100 × 100, 10^-6 का स्क्वायर 10^-12, 20 और डिवाइडेड बाय 5, 5 = 25, 10^-4 कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन, दैट इज 1.8 × 10^4 न्यूटन, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्या बोला था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 2 μC एंड 4 μC इज 24 व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन फ्री स्पेस। द फोर्स इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड एंड डिस्टेंस इज हाफ, मतलब एक बार बोल रहा है कि एक जो चार्ज है वो 2 μC और 4 μC है, इसके बीच का जो फोर्स है अभी, ये फोर्स है कितना 24 N, अभी का जो वैल्यू है वो फोर्स है 24 N। अब एक बार क्या कर रहा है कि डिस्टेंस को डबल कर दे रहा है, यानी कि पहले मान लो अगर r था तो इस बार 2r कर देगा, ठीक है, और एक बार डिस्टेंस को क्या कर रहा है, हाफ कर दे रहा है, तब क्या होगा, तो एक बार r by 2 हो जाएगा, 2r हो जाएगा, डिस्टेंस डबल किया 2r और एक बार कर दिया r by 2, तो अगला फोर्स जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा, सोचिए। इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया था ऑफलाइन क्लास में, बताया था कि जो भी चीजें होती है उसका मल्टीपल फैक्टर देखते हैं, सोचो बहुत आसान है, सिर्फ पहला निकालोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई पहला ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। अगर किसी को शॉर्टकट याद हो तो आराम से बन जाएगा ये। चलो 1, 2 अश्विनी शोनिका का सही है और बाकी लोग एग्जैक्टली बाकी लोगों को भी अगर याद हो तो मैंने फैक्टर वाला मेथड यूज करना बताया था कि डिस्टेंस 2 है, आर के आगे 2 है, तो पहले जो फोर्स था और उसको उसके मल्टीपल से डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ पे 2 था तो 2 × 2 = 4, तो 24 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 6, तो पहला 6 N आ गया। अब देखो 6 N का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, पहला वाला 6 N का ऑप्शन सिर्फ एक ही है, कौन सा, थर्ड वाला, तो ऐसे ही दूसरा बिना सॉल्व किए ही आप मान सकते हो कि थर्ड ऑप्शन सही होगा, बट स्टिल अगर आप इस मेथड को यूज करना चाहो तो यहाँ पे देखो 24 और ये 1/2 है, तो 24 को डिवाइड करोगे 1/2 का स्क्वायर से, तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, अब 1/4 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 × 24, 4 × 24 कितना 96 N, ठीक है, तो ये शॉर्टकट से ही बन जाएगा 96 N। क्या सबको क्लियर हुआ ये? सिर्फ 8 लोगों का जवाब आया, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? जागो मोहन प्यारे, नहीं बनाओगे न्यूमेरिकल तो कुछ नहीं होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एफ बाई फोर आ गया और एक फोर एफ आएगा तो 96 न्यूटन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीन चार्जेस है आपका, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। दे आर केप्ट एट द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज, सेम सवाल क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है। क्या बोला कि एक ए, एक दूसरा बी और एक तीसरा सी पे रखते हैं, एक ए पे, एक बी पे और एक सी पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइज कितना है आपका, साइड कितना है, तो साइड आपका है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि सी पे जो नेट फोर्स लगेगा वो सी पे नेट फोर्स निकालिए। चलिए ऐसा सवाल क्लास में करवा सकता है, ठीक है, ऐसा सवाल क्लास में करवा रखा है। बनाइए सब इसको। यहाँ पे ए पे 1 माइक्रोकूलम, बी पे 2 माइक्रोकूलम और सी पे 3 माइक्रोकूलम। और डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर दिया, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको एंगल सबको मालूम है कि एंगल यहाँ पे ये वाला जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। फॉर्मूला यूज करो रिजल्टेंट का, ठीक है। आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर माइक्रोकूलम और सेंटीमीटर में नहीं लिखा सकते, चेंज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, 10 बार क्लास में समझा के रखा हूँ, जब भी सॉल्व करेंगे एसआई यूनिट में सॉल्व करेंगे। नहीं बताया क्लास में, बताया आंसर लिखना है वो एसआई यूनिट में लिखना है। और यहाँ पे आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में एसआई यूनिट है यानी न्यूटन है, तो न्यूटन है यानी कि आपको एसआई यूनिट में ही सॉल्व करना है। न्यूटन ऐसा यूनिट होता है, चार्ज को भी ऐसा यूनिट में रखेंगे, ठीक है सर। माइक्रो न्यूटन और सेंटीमीटर में निकाल के उसको न्यूटन, मतलब सेंटीमीटर और न्यूटन में चेंज कर सकते हैं? नहीं, वहां पे कंफ्यूज कर, पहले चेंज कर लेना, एग्जाम में वो ध्यान नहीं रहता है प्रेशर में, ठीक है, तो आप भूल जाओगे। हमेशा ध्यान रखना पहले ही चेंज करना। चलो एक का जवाब आया, सनवाज ने आंसर दिया, बाकी लोग F1 F2 की वैल्यू निकालो। और मैंने सेम क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया हुआ बाबू, एक को F लेता था, एक को 2F लेता था और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री लेते थे, तो अंडर रूट F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और F का वैल्यू आप निकाल सकते हो, सेम सवाल मैंने क्लास में करवा रखा है, बस वैल्यूज अलग अलग थी। बाकी लोगों का जवाब अभी नहीं आ रहा है, एक दो, सिर्फ दो लोगों का जवाब आया है। कुछ लोग 3 बोल रहे, कुछ 4 और बाकी लोग। तीन चार लोगों का 4 जवाब आया है, 4th, 3rd, 4th। वाह, 3rd और 4th में लोग कंफ्यूज है। आइए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। मैंने आधा सॉल्यूशन तो यही किया है कि 1 माइक्रोकूलम इस 3 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा F1 से, 2 माइक्रोकूलम इस 3 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा F2 से, दोनों के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग
यहाँ दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो एक्चुअली रूट थ्री एफ आएगा, ठीक है, और रूट थ्री एफ आएगा तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा इसके बाद सॉल्व करने की, इतना सॉल्व करने के बाद क्यू वन क्यू टू बाई एल स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर तो 10 आएगा, उसका पुट करोगे तो फाइनल, और फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3.12, यानी कि फोर्थ वाला, जिनका फोर्थ आया है उनका सही है, ठीक है। आपने यूजुअल तरीके से सॉल्व करना, सेम सवाल करवा रखा है, ठीक है।